रक्तदान ही महादान है, जिससे कई जरूरतमंद रोगियों की जान बचाई जा सकती है। इसी उद्देश्य को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रदेश हिमालयन किरण समिति द्वारा एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन अस्पताल के रक्तदान केंद्र में किया गया, जिसमें करीब 70 से अधिक लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारंभ MOH डॉक्टर NK गुप्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात ITI संस्थान के विद्यार्थियों सहित समिति के सदस्यों द्वारा अस्पताल के रक्तदान केंद्रों को 70 यूनिट रक्तदान किया गया, ताकि हर रक्त दुर्घटना में जख्मी लोगों और अन्य गरीब लोगों के काम आ सके। हिमालयन किरण समिति की प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने शिविर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि समिति द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्यों में अपना सहयोग दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज समिति के सदस्यों सहित कई संस्थानों के विद्यार्थियों ने शिविर में करीब 70 यूनिट से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन सड़क हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई घायलों को रक्त न मिलने के कारण जान गंवानी पड़ती है। इसीलिए उन्होंने आज इस रक्तदान का आयोजन किया और भविष्य में भी इस प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे। समाज में हर प्रकार से अगर कोई भी दुर्घटना या किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो जाए, तो उस वजह से किसी व्यक्ति विशेष की जान ना जाए, इस वजह से हमने आज यह ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है। साथ ही साथ जैसा आपने देखा है कि आज ठियोग में एक बस हादसा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पे कितने लोग इंजर्ड होंगे, कितने लोग खस्ता हालत में होंगे, कितने लोगों के साथ क्या बीत रही होगी, तो हम लोग उसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा है उस माध्यम से शायद उन लोगों की जान बच सके, और हम आगे भी इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे, ये हमारा विश्वास है। आज जो हमारी संख्या रहेगी 70 यूनिट से ऊपर हमारा शायद ब्लड डोनेशन चला जाएगा।